हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कथा शिल्पी साहित्य शिरोमणि फणीश्वरनाथ रेणु जी के इस पावन भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जीतन राम मांझी जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान राजीव रंजन जी, श्रीमान प्रदीप सिंह जी, एनडीए के सभी प्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, उम्मीदवारगण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अररिया के साथ साथ पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सहित अनेक जिलों के लोग आज यहां मौजूद है। इससे भी ज्यादा लोग अलग अलग स्थान पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से अनेक लोग हजारों की तादाद में आज इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और जहां जहां मतदान हो रहा है, मुझे जब अभी हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो किसी ने बताया कि पहले के चुनाव में इस समय जितना मतदान होता था उससे भी आज ज्यादा मतदान हुआ है। वो 10 बजे तक का मुझे हिसाब बता रहे थे। ये उत्साह, ये उमंग मैं बिहार के मतदाताओं का, उनकी सक्रियता का, लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं और सभी नागरिकों से, देशभर के अनेक राज्यों में उपचुनाव भी चल रहे हैं, बिहार में भी कई स्थान पर मतदान चल रहा है, चुनाव ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है और लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना हर नागरिक का कर्तव्य है और वही उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। आपका हर एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा, देश को मजबूत करेगा। साथियों, आज बिहार के लोगों ने देश ही नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। कोरोना के इस संकट काल में
जब दुनिया भर में हड़कंप मचा है, ऐसे में बिहार के लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, लोकतंत्र की ये कितनी बड़ी ताकत, लोकतंत्र के प्रति हर बिहारी का कितना बड़ा समर्पण, ये पूरे विश्व के लिए ये सिर्फ मतदान चुनाव जीत हार वहां तक सीमित नहीं है। विश्व के सभी थिंक टैंक को, विश्व के सभी थॉट लीडर्स को इस बात का मूल्यांकन करना ही होगा कि भारत के लोगों के जहन में लोकतंत्र कितनी गहराई से बैठा हुआ है, कि जब कोरोना के इतने कालखंड में भी वे लोकतंत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक भरोसा जगाने वाली घटना है। ऐसे कठिन समय में इतनी तैयारी के साथ, इतनी सारी सावधानियों के साथ चुनाव कराने के लिए मैं हमारे देश के चुनाव आयोग को लाख लाख बधाई देता हूं। देश के चुनाव आयोग ने अपने कौशल्य से, अपने सामर्थ्य से, अपनी दीर्घ दृष्टि से, अपने निष्पक्ष भाव से आज पूरे विश्व को अचंभित कर दिया है। और इसलिए आज मैं बिहार, जो कि लोकतंत्र की पहली कुपल जहां से निकली थी, मानव जात को जिस धरती ने लोकतंत्र दिया था, उस धरती से मैं देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उसके साथ साथ हमारे जो सुरक्षा बल के लोग हैं, कितने दिनों से खड़े हैं ये यूनिफॉर्म धरतीधारी हमारे पुलिस के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के, अर्धसैनिक बलों के जवान दिन रात लोकतंत्र की रक्षा के लिए, शांतिपूर्ण मतदान के लिए, शांतिपूर्ण विचार विमर्श के लिए दिन रात जो जुटे हुए हैं, मैं उनका भी आज हृदय से, पूरे बिहार के उन सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं बिहार के प्रशासन से जो लोग जुड़े हुए हैं, चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सब छोटे मोटे कर्मचारी का भी जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जी जान जुटे हैं, मैं आज उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान के बाद और अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, उसके बाद एक बात साफ है, बिहार की जनता ने डंके की चोट पर यह संदेश दे दिया है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है, बिहार की उस कहावत में कहा है
सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दुगो भुजाना चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है, यही इनकी सोच है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। भाइयों और बहनों, आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। भाइयों और बहनों, बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। बिहार के गरीबों से इन लोगों ने वोट देने तक का अधिकार भी छीन करके रखा था। गरीबों को घरों में कैद करके उनके नाम से जंगल राज वाले खुद जाकर के वोट दिया करते थे। तब मतदान नहीं होता था, वो तो दिखता था सिर्फ, हकीकत में तो वो दिन थे जब मत छीन लिया जाता था, वोट की लूट होती थी, गरीब के हक की लूट होती थी। बिहार में गरीब को सही मायनों में मतदान का अधिकार एनडीए ने दिया है। आज बिहार में दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वंचित हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी को भी मानने वाला हो, उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार मिला है। आज तो मैं माहौल यहां तक देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया कभी कभी देखता रहता हूं, इन दिनों मैं देख रहा हूं कि बिहार में महिलाएं कह रही है भाई घर वालों को जो करना है करेंगे, मैं तो मोदी के साथ चलूंगी। बिहार की हर मां, बिहार की हर बेटी आज हम सबको आशीर्वाद दे रही है। यही तो लोकतंत्र की अपनी एक ताकत है। भाइयों, साथियों, अगर बिहार में पहले जैसे ही हालात होते तो सच मानिए गरीब मां का ये बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, आपका प्रधान सेवक नहीं बन पाता। आज जब गरीब को
अपना अधिकार मिला है तो वो उसने देश की राजनीति की दिशा तय करने की कमान भी खुद संभाल ली है। अब वो सिर्फ अपना ही नहीं, देश के भविष्य, देश की आकांक्षा को पूरा करने में ही उतना ही साझेदार है, उतना ही भागीदार है। साथियों, बीते दशक बिहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था और नीतीश बाबू ने, उनकी पूरी टीम ने जी जान लगा करके एक के बाद एक बिहार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। विपरीत परिस्थितियों में भी वो रुके नहीं, मान अपमान के बीच भी कभी थके नहीं और जुल्म करने वालों की आदत के सामने वे कभी झुके भी नहीं थे, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना यही नीतीश बाबू और उनकी पूरी टीम का मकसद था। वो उन्होंने करके दिखाया है। वो दशक बिहार के हर नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा करने का था और अब ये दशक 2021 से 2030 वाला ये दशक बिहार के आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है, इसके लिए दशक है। बीते दशक में बिहार में हर घर में बिजली पहुंची, अब ये दशक बिहार को 2400 घंटे जगमगाने का है। बीते दशक में बिहार में घर घर गैस कनेक्शन पहुंचा, अब ये दशक बिहार के घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का है। बीते दशक में बिहार के हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंची, अब ये दशक बिहार के हर गरीब को पक्की छत देने का है। बीते दशक में शहर और गांव में सड़कों की स्थिति सुधरी, अब ये दशक नए एयरपोर्ट, नए वाटरपोर्ट देने का है। बीते दशक में जंगल राज के प्रभावों को कम किया गया, अब ये दशक बिहार की नई उड़ान का है, नई संभावनाओं का है। बिहार को जब फिर इस बार डबल इंजन की ताकत मिलेगी तो यहां का विकास पहले से भी तेज गति से होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए आज एनडीए सरकार बिना किसी भेदभाव लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। आज बिना किसी भेदभाव बिहार के करीब करीब 75 लाख 74 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहां अगर मैं अररिया की बात करूं तो मेरे साथी सक्रिय रहते हैं हमारे प्रदीप जी, यहां अररिया के भी 2 लाख किसानों को ये मदद उनके खाते में सीधी पहुंची है। भाई, बिना किसी भेदभाव बिहार की लगभग 90 लाख गरीब बहन बेटियों को घर में धुएं से मुक्ति दिलाने वाला मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिया गया है। अगर मैं यहां अररिया की बात करूं, इस इलाके में भी 3.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को
उनके चूल्हे तक ये गैस का काम अब हो चुका है। बिना किसी भेदभाव बिहार में 1.25 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। यहां अररिया में भी 4 लाख से ज्यादा शौचालय बने हैं। बिना किसी भेदभाव आज बिहार के हर गरीब को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। भाइयों बहनों, गरीब के घर में अगर कोई गंभीर बीमारी घुस जाती है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं, उस परिवार की पूरी पीढ़ी तबाह हो जाती है। गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, एक कदम गरीबी से बाहर ले आया है, लेकिन अगर घर में बीमारी आ गई तो फिर वो गरीबी के अंदर फिर उलझ जाता है। और इसलिए अब कोई गरीब अगर बीमार हुआ तो उसका बेटा दिल्ली में बैठ करके उसकी चिंता कर रहा है। मेरा गरीब अब दवाई के बिना, मेरा गरीब अब डॉक्टर के बिना, मेरा गरीब अब अस्पताल के बिना जिंदगी और मौत के बीच जूझता नहीं रहेगा। सरकार 5 लाख रुपए तक का खर्च खुद उठा रही है। भाइयों साथियों, बिहार अब उन लोगों को पहचान चुका है जिनका एकमात्र सपना है किसी तरह लोगों को डराकर, अफवाह फैलाकर, समाज को बांटकर कैसे भी करके सत्ता हथिया लेना। इनकी तो बरसों से यही सोच है, इन्होंने यही देखा है, यही समझा है, यही सीखा है। भाइयों बहनों, हमारे यहां बिहार में कहा जाता है साथियों, ये आपका उमंग, ये उत्साह, ये विराट जनसागर ये अद्भुत नजारा है, ये अद्भुत नजारा। भाइयों बहनों, हमारे यहां बिहार में कहा जाता है अनकर धन पाई, बिहार में कहा जाता है अनकर धन पाई ता नौ मन तो लाई। स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है जितना चाहे मार लो खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो जितना चाहे लूटो। ये लोग जनता के लिए, आपके लिए काम नहीं कर सकते, लेकिन आज बिहार की जनता, देश की जनता इन सब लोगों की सच्चाई बराबर जान चुकी है। आप देखिए, ऐसे ही झूठ बोल बोल कर कांग्रेस ने देश के लोगों को क्या क्या सपना दे ही दिखाया। याद कीजिए दशकों पहले की वो दिन, उछल उछल करके बोल रहे थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। चुनाव आते ही कहते थे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, माफ करेंगे। कभी फौजियों को मिलते थे तो कहते थे देखिए वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। कभी व्यापारियों से मिलते तो फिर जब लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं,
टेस्ट का जाल कम करेंगे, टेस्ट का जाल कम करेंगे। बातें बहुत की, लेकिन भाइयों बहनों इतिहास गवाह है, दस्तावेज मौजूद है, इन्होंने इसमें से एक भी काम नहीं किया। बातें की, गुमराह किया लोगों को, और इसलिए जनता को लंबे अरसे तक मूर्ख नहीं बना सकते हो। देखिए कांग्रेस का हाल क्या हुआ है, कांग्रेस की हालत कैसी करके रखी है जनता ने। आज कांग्रेस की हालत यह है, आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है, और जब भी मौका मिलता है जनता आज भी उनको सजा देती रहती है। और इतना ही नहीं, इस देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने कांग्रेस के एक भी बंदे को लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचने दे दिया। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, अनेक ऐसे राज्य हैं जहां से कांग्रेस के एक बंदे को भी वहां की जनता ने दिल्ली लोकसभा राज्यसभा में पैर नहीं रखने दिया। आप कल्पना कर सकते हैं देश की जनता इन लोगों से कितनी नाराज है। यूपी बिहार जैसे राज्यों में आज कांग्रेस तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर किसी का कुर्ता पकड़ के बचने की कोशिश कर रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जबकि एनडीए सरकार जो कहती है, और कहती भी वही है जो जनता के लिए जरूरी है, और जो जनता के लिए जरूरी है उसी के लिए जी जान से जुड़ जाती है और करके दिखाती है। साथियों, आज एनडीए की सरकार देश के बिहार के लोगों की एक एक परेशानी को दूर करने के लिए काम कर रही है। जब सिर पर अपना घर होता है, पक्की छत होती है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, लोगों की अनेक चिंताएं कम हो जाती है। इसी सोच के साथ आज देश के हर गरीब को पक्के घर देने का अभियान चल रहा है। यहां बिहार में भी गरीब परिवारों के लिए 25 लाख से ज्यादा घर बनाना तय किया गया है। इसमें से लगभग 13 लाख गरीब परिवारों को सौंपे जा चुके हैं, और अगर ये कोरोना के कारण थोड़ी गति धीमी न हुई होती तो और भी लाखों लोगों को घर पहुंच चुका होता, मिल गया होता। लेकिन जिनका घर अभी बन रहा है, जिनका घर बनने वाला है, ये आपका बेटा आपको वादा करने आया है, कुछ भी हो जाए ये आपका बेटा मेरे गरीब को पक्का घर दे करके रहने वाला है। और भाइयों बहनों, जब मैं गरीब को पक्का घर देने के लिए जी जान से जुटा हूं, उसके पीछे इसलिए नहीं कि चलो भाई पक्का घर है तो बारिश में पानी नहीं गिरेगा, पक्का घर है तो चलो भाई मजदूरी करके रात को घर आएंगे तो आराम से सोएंगे, इतना नहीं है साहब। जब किसी माँ बाप को पक्का घर बन जाता है ना, तो उसका भी मन करता है अब बेटी को अच्छा घर मिलेगा,
अच्छे घर में बेटी की शादी होगी। अगर फुटपाथ रहते, झुग्गी झोपड़ी में रहते, फटे ताट के छत्र के नीचे रहते तो शायद बेटी को भी कैसे घर में देना पड़ता। आज गरीब माँ बाप को जब पक्का छत मिला है ना, तो माँ के मन को आनंद होता है कि मैं तो गरीबी में पली, लेकिन अब पक्का घर देख करके मेरी बेटी को भी अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, मेरी बेटी सुखी होगी। आप कल्पना कर सकते हो? कुछ लोगों को यह परेशानी है कि मोदी चुनाव जीतता क्यों है। अरे मोदी चुनाव इसलिए जीतता है भाई कि ये माताओं बहनों के, उनकी बेटियों की चिंता दूर करने का काम मोदी करता है। इसलिए माताएं बहनें ये मोदी पर आशीर्वाद देती रहती है, और तब जाकर के ये गरीबों का बेटा गरीबों की सेवा में अपना जीवन खपाता रहता है। यहां अररिया में भी 80,000 गरीबों को, 80,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जा चुका है। जिन लोगों को मैंने पहले ही कहा अभी घर नहीं मिल पाया है, काम चल रहा है, जो भी पैसे होंगे उस पर पहला अधिकार आपका होगा, आपका घर भी जल्द से जल्द बनेगा। और इसके लिए जब नीतीश बाबू दोबारा आ जाएंगे फिर से तेज गति से काम शुरू हो जाएगा और उन घरों को भी बना दिया जाएगा। भाई और बहनों, गांव देहात के लोगों की एक और बड़ी दिक्कत रही है, घर के मालिकाना हक, जमीन के मालिकाना हक को लेकर। घर तो था, बाप दादा रहते थे, लेकिन पता नहीं था भाई कागज कहाँ है, कहाँ पड़ा है कौन। और कभी अगर कहीं रिश्तेदार के यहाँ कहीं जाना है दो चार दिन के लिए, तो भी मन में रहता था कि वापस आएंगे तब घर हमारा बचेगा कि कोई बैठ जाएगा, अंदर घुस जाएगा, कोई कब्जा कर लेगा। कभी अड़ोस पड़ोस के लोग चिल्लाते थे, देखो दे फुट तुम मेरे यहाँ घुस गए, तुम्हारा दे फुट तो जमीन तेरी नहीं मेरी है, दो गज जमीन मुझे वापस दे दो, और मारकाट हो जाती थी। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां ये मुसीबत नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं मध्यम वर्ग के व्यक्ति, निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति, गांव में रहने वाले व्यक्ति, उनकी परेशानी भी समझता हूं। और इसलिए हमने इस परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, इसका नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत गांव के लोगों को घर का, जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है, और वो भी टेक्नोलॉजी से गांव के ऊपर ड्रोन घुमाया जाता है और ड्रोन से जगह टेक्नोलॉजी से तय की जाती है, गांव वालों के सामने उसको दिखाया जाता है और वही निर्णय करके टेक्नोलॉजी से फोटो निकाल करके दे दिया जाता है, ये यहां से यहां तक तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा घर है, अब तुम उसके मालिक हो। भाइयों, कुछ लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी तो बड़े बड़े लोगों के लिए होती है, मोदी सोचता है टेक्नोलॉजी भी गरीबों को एम्पावर करने के लिए हो सकती है, और मैंने करके दिखाया है दोस्तों। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से दो बहुत बड़े फायदे होंगे, एक तो ये कि कोई उनकी जमीन पर, उनकी घर पर अब बुरी नजर नहीं डाल पाएगा, और दूसरा ये कि वो प्रॉपर्टी कार्ड दिखाकर अगर बैंक में जाएगा तो बैंक से उसको कर्ज भी मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, और जीवन में बड़े सम्मान से जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। भाइयों बहनों, बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद इस योजना को यहां भी लागू किया जाएगा। साथियों, गरीब की परेशानी, गरीब की दिक्कत को जो समझते हैं
वही उनके लिए काम करते हैं। गरीब 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 के माला झप करके मूर्ख बनाने के खेल कहने वाले, अपने महल बनाने वाले, अपने परिवार के दूर दूर के रिश्तेदारों के लिए महल बनाना, चाचा के मामा के मामा का बेटा भी खाओ किसका है माल खाओ, सब कुछ अपने कुनबे के लिए करने वाले लोगों को, भाइयों बहनों ये लोग कभी आपका दर्द नहीं समझ सकते हैं। अगर उन्होंने दर्द समझा होता तो आपको इस हालत में जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। भाइयों और बहनों, कोसी और सीमांचल सहित बिहार का एक बड़ा क्षेत्र पानी के कुप्रभाव और पानी के अभाव दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है। बीते सालों में एनडीए सरकार ने प्रदूषित पानी के प्रभाव और साफ पानी के अभाव दोनों को कम करने के लिए निरंतर काम किया है। कोरोना काल में ही बिहार में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा दी गई है। अररिया पूर्णिया सहित सीमांचल के अनेक जिलों में भी हर घर तक जल पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, बिहार के विकास का सपना, बिहार में कनेक्टिविटी सुधार कर उसके बिना आधुनिकता की तरफ नहीं जा सकते हैं, और इसलिए हम उस पर भी पूरी ताकत से लगे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ उद्यम, उद्योग और रोजगार के नए अवसर तीनों एक साथ लेकर के आती है। यही वजह है कि अटल जी के समय इस इलाके में सड़क संपर्क सुधारने पर बहुत ध्यान दिया गया था। यही वजह है कि जब पीएम पैकेज का ऐलान किया गया था तो उसमें सबसे ज्यादा जोर बिहार में कनेक्टिविटी सुधारने पर दिया गया। फारबिसगंज जोगबनी रोड हो या फारबिसगंज सीतामढ़ी रोड हो, ऐसे अनेक हाईवे के निर्माण और चौड़ीकरण पर इस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। जोगबनी विराटनगर और अररिया गलगलिया जैसी नई रेल लाइनों के आधुनिकीकरण पर यहां 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की कनेक्टिविटी को लेकर जितना काम हो आज हो रहा है उतना बिहार में कभी नहीं हुआ। हमें इन कामों को रुकने नहीं देना है। साथियों, कनेक्टिविटी को लेकर हमारे प्रयासों का एक बड़ा प्रमाण है कोसी महासेतु। ये कोसी महासेतु आपकी तीन तीन पीढ़ियों के दिल दिमाग में छाया हुआ है। दशकों पहले कोसी का पुराना पुल टूटने के बाद फिर कोसी पर पुल बन नहीं पाया था। दशकों से ये हमारे प्यारे मिथिलांचल को एक प्रकार से बटा हुआ हाल था। अब कोसी महासेतु के निर्माण के बाद ये पूरा क्षेत्र फिर से एक बार एक हुआ है। ये महासेतु अब लोगों का समय भी बचा रहा है और लोगों का पैसा भी बचा रहा है। साथियों, 21वीं सदी में विकास के लिए आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में जिस कनेक्टिविटी पर बहुत जोर है वो है
गैस ग्रिड कनेक्टिविटी, जैसे बिजली का ग्रिड, पानी का ग्रिड, अब वक्त आ गया है गैस का ग्रिड। आज बिहार देश के उन कुछ राज्यों में है जहां गैस ग्रिड कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा विस्तार होने जा रहा है। आज बिहार प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का बहुत बड़ा लाभार्थी बन रहा है। बिहार में फर्टिलाइजर, पावर और स्टील इंडस्ट्री को इस पाइपलाइन से नई ऊर्जा सुनिश्चित हुई है। पूर्णिया से जलालगढ़, अररिया होते हुए फारबिसगंज तक सस्ती रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम भी आज तेजी से चल रहा है। आप देखिएगा, जब ये काम पूरा होगा तो आपके जीवन में कितनी ज्यादा आसानी आएगी, आपकी रोजमर्रा की दिक्कतें कितनी कम हो जाएगी। साथियों, एक समय था जब बिहार की पहचान बहुत सी नकारात्मक बातों से होने लगी थी। ये पहचान क्या बना दी गई थी, इसके जिम्मेदार कौन थे? चुनाव प्रचार के पहले के दिनों में से इसकी विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा बिहार के लोग पुराने हर हालात को जानते हैं। और सच कहूं तो मुझसे ज्यादा बिहार का एक एक बच्चा दुनिया में कहीं पर भी हो इन बातों को भलीभांति जानता है। क्या हाल बना के रखा था बिहार का। अब आज मुझे खुशी है कि बिहार की पहचान बदल रही है। आज आधुनिकता के ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो, बिहार से शुरू हो रहे, बिहार में चल रहे हैं, उसकी चर्चा हो। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले ही बिहार के हर गांव को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने का अभियान की शुरुआत हुई है। इससे बिहार के युवा घर बैठे ही देश और दुनिया में अच्छी पढ़ाई और बिजनेस के अवसरों से जुड़ पाएंगे। हमारी जीविका दीदियों को भी इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। जो वो उत्पाद बनाती हैं, उनकी ऑनलाइन सेल अब और आसान होगी। तेज इंटरनेट जब जीविका दीदियों के समूहों को मिलेगा तो उनकी बनाई चीजें और आसानी से दुनिया के बाजारों तक पहुंच पाएगी। आपके सामने पूर्णिया का अरण्यक एफपीओ एक मिसाल है, जो मक्के के कारोबार से जुड़ा है, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो रही है। साथियों, ये मक्का और ये मखाना इसी का तो एक क्षेत्र है। यहां केला, पटसन, चाय, ऐसी अनेक उपज, ऐसे अनेक उत्पाद जिले जिले गांव गांव में पैदा होते हैं। आत्मनिर्भर बिहार इन उत्पादकों को देश और दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में और आसानी से पहुंचाएगा और पहले से अनेक गुना ज्यादा पहुंचाएगा। हाल में जो कानूनी सुधार किए गए हैं, हजारों करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है, उससे भी इसमें बहुत भारी मदद करेगी। इन कानूनों के सुधारों के बाद अब गांव के पास ही भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक सुविधाएं करना आसान हुआ है। बिहार के किसान और यहां के युवाओं को 1 लाख रुपए के विशेष फंड से भी बहुत लाभ होगा। साथियों, बिहार के युवा इतने सामर्थ्यवान है कि जो सुविधा उन्हें देश के बाकी हिस्सों में मिलती है, अगर वही सुविधा बिहार में मिल जाए
तो बिहार का नौजवान कमाल करके दिखा सकता है भाइयों। इसी सोच के साथ बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों पर हम पूरी ताकत से ध्यान दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बिहार के युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी बहुत लाभ मिलेगा। बिहार के गांव और गरीब के घर में पैदा हुए बेटे और बेटी के सामर्थ्य का आकलन सिर्फ उसको चपाचप अंग्रेजी बोलना आता है कि नहीं आता है, इतने मात्र से नहीं होगा, बल्कि उसके ज्ञान से ही उसकी ताकत का परिचय हो जाएगा। भाइयों बहनों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई का जो विकल्प दिया गया है, उसे भी बिहार में तेजी से लागू किया जाएगा। अब गरीब मां का बेटा अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, इसलिए डॉक्टर बनने से उसके कोई रोक नहीं सकता है, वो भी अब डॉक्टर बन सकता है। गरीब मां का बेटा इंजीनियर बन सकता है। साथियों, बिहार की इस गौरवशाली धरती को आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है। इस संकल्प की सिद्धि सभी की भागीदारी से संभव है, सभी के सक्रिय सहयोग से संभव है। इसी संकल्प के साथ आपको अपना एक एक वोट एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों को डालना है। आपका यहां आने के लिए मैं आज ये जुस्सा, ये उत्साह, ये उमंग कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। भाइयों बहनों, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।